नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज के इस दुर्गा पूजा वाले ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 8। मैं पूरा रेडी होकर अभी निकल चुकी हूँ। तो क्योंकि मुझे भुवनेश्वर के एटलीस्ट 5 बड़े बड़े जो पेंडल्स है वहाँ पर मुझे जाना है दर्शन करने माता के, एंड ऑफकोर्स आपको भी दिखाने। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं रसूलगढ़। सो ये लीजिए, हम लोग आके पहुंच चुके हैं रसूलगढ़ में। एंड ये सामने देख रहे हो ब्यूटीफुल सा पंडाल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब ये एक ताइवान का बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है, कॉपी आप बोल सकते हो, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ पूरा यूनिक लगा। तो आज तक मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था सच बोलूँ तो। तो चलिए, बाहर से तो बहुत सुंदर है, अंदर से देख लेते हैं। तो जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो आप देख सकते हो काम कितना बारीक हुआ है, इतना सुंदर काम हुआ है। तो अंदर चलते ही ऊपर सारे सीलिंग पे भी बहुत सुंदर से काम हुए हैं, बहुत मतलब बारीक वाला काम देख रहे हो। एंड अंदर पूरा अर्दी टोन का, मतलब कलर कॉम्बिनेशन पूरा अलग हो गया अंदर का, ये देख सकते हो कितना सुंदर काम हुआ। एंड लाइटनिंग के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड क्योंकि मैं मॉर्निंग में आई हूँ, थोड़ा सा फिर भी लाइट कम है, अगर आप रात को आओगे तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। एंड ये सामने माँ, सो रसूलगढ़ के सुंदर से पंडाल को देखने के बाद नेक्स्ट अभी हम लोग चल रहे हैं बौमीखाल। तो लीजिए, हम आके पहुंच चुके हैं बौमीखाल में। एंड ये बौमीखाल का जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो पंडाल, हस्तिनापुर में पांडवों का जो महल था उसको कॉपी करने की कोशिश वो किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन पूरा बहुत प्यारा है। मुझे अगर बोला जाए, मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। तो बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है, सारे हाथी सब कुछ, मतलब जैसा एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका बनाने की कोशिश किया है। एंड चलिए अंदर चलते हैं। जैसे हम अंदर चलते हैं, अंदर पूरा सिल्वर का काम हुआ है। मतलब जैसे वहाँ पर था रसूलगढ़ में मिट्टी वाला दिख रहा था ना, तो यहाँ पर पूरा सिल्वर का काम ही देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड सामने माँ, लीजिए दोस्तों सीलिंग को देख लीजिए, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना सुंदर काम है ना। तो फिलहाल यहाँ पर भी हमने अच्छे से दर्शन किए, चलिए नेक्स्ट पंडाल की तरफ। तो अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं झारपड़ा। तो यहाँ पर जो पंडाल देख रहे हो, इसका कलर एंड नयापल्ली में जो कलर कॉम्बिनेशन है, मुझे थोड़ा मतलब सिमिलर लगा समहाउ। लेकिन अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। एंड जैसे अंदर हम चलते हैं, ये पूरा यूनिक है, क्यों मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इतना कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगा काम, क्योंकि यहाँ पर जो काम देख रहे हो, जो पिस्ता के जो कवर्स होते हैं ना, मतलब जो हमारे किचन में पाए जाते हैं, उसी से ही इसको पूरा बनाया गया है। एंड बैकग्राउंड जो है वो पूरा रेडिश मरून कलर का है। एंड ऊपर जो काम है ना, पूरा अलग यूनिक लग रहा है, आप खुद ही देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये पूरा यूनिक लगा, ये जो अंदर का जो काम है ये पूरा यूनिक लगा। तो एंड ये सामने माँ देख रहे हैं आप, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो यहाँ से चलिए नेक्स्ट पंडाल की तरफ। तो अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं स्टेशन बाज़ार में। तो यहाँ पर पंडाल थोड़ा अंदर है, लेकिन जाते वक्त ये जो दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं ना, मतलब ये इतना सुंदर है। यहाँ पर सब मतलब खड़े होकर यहाँ पर आप देख रहे हो अपना पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा यूनिक टाइप का है। जो वेस्ट बंगाल का या फिर कोलकाता में जिस तरह से मनाया जाता है ये दशहरा या फिर दुर्गा पूजा, उसी का यहाँ पर रेप्लिका बनाया गया है। तो आप देख ही सकते हो सब कुछ, सिंदूर खेला जो होता है वहाँ पर ना, तो यहाँ पर वही सब आपको देखने को मिलेगा। एंड राइट साइड में आप ट्रेन भी देख रहे हो। तो काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम लगा होगा इसको बनाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना इसके अंदर बहुत ही सुंदर यूनिक कॉन्सेप्ट से एक बनाया गया इस बार, चलिए हम भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये लीजिए, हम अभी अंदर घुस चुके हैं। तो कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक चेन्नई का एक्वेरियम, उसका एक्चुअली वीडियो शेयर किया हुआ है, लास्ट वीडियो इनफैक्ट है। तो जैसे हम अंदर इसके अंदर घुसे, उसी तरह का वाइब या फिर फील मुझे आया। तो एक्चुअली मैं ये आप देख रहे हो, चारों तरफ आप देख लो, पूरा एक्चुअली समंदर के अंदर जो जैसा
होता है नॉर्मली, जो एनवायरनमेंट वहाँ पर जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब कुछ यहाँ पर है। तो अंदर जाके एक्चुअली मुझे पता चला ये द्वारका जो सबमर्स्ड द्वारका है, जो पानी के अंदर है, समंदर के अंदर जो डूब चुका है, तो उसी का ये पूरा रेप्लिका बनाया गया यहाँ पर। तो चलिए आगे आगे दिखाती हूँ। तो मुझे लगा था कि मॉर्निंग में आ रही हूँ तो थोड़ा सा कम भीड़ होगा, लेकिन आप भीड़ देख सकते हो, इतना भीड़ यहाँ पर है। लेकिन हाँ, ये मतलब इतना यूनिक बनाया ना, तो इसी को देखने के लिए सारा भीड़ है। आप देख लो कितना भीड़ है। एंड ऑक्टोपस, ये चारों तरफ सारे जो भी ऑर्गेनिक एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यहाँ पर। एंड आप वहाँ पर आप एक्वेरियम भी देख रहे हो, छोटे छोटे फिशेस हैं। चलिए हम भी अंदर नीचे की तरफ बढ़ते हैं। सो अगर आपने कभी भी द्वारका का जो वीडियो देखा होगा सबमर्ज द्वारका, तो आपको मतलब पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली उसी तरह ही लग रहा है। देखिए कितने कलरफुल छोटे छोटे फिशेस हैं यहाँ पर। जब मैं मॉर्निंग से निकली थी ना, तो मुझे ये लगा कि हाँ स्टेशन बाज़ार को छोड़ देते, इतना दूर है। लेकिन मुझे यहाँ पर आके लग रहा है कि अगर मैं इसको मिस कर देती तो मतलब सही में एक बहुत ही गलती हो जाती मुझसे, क्योंकि इतना अच्छा लगा मुझे। एक पूरा टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है, अगर आपने घूम भी लिया है तब भी बताना, नहीं घूमा है तो तब भी बताना। एंड यहाँ पर माँ के भी दर्शन कर लीजिए आप। सो आई जस्ट होप कि माँ आप सबको सुख दे, शांति दे। एंड इसी के साथ यहाँ से निकलते हम लोग। एंड एग्ज़िट करते हुए ना, मुझे फिर से लग रहा था थोड़ा और एक बार घूमाओ, लेकिन इतना भीड़ था और मतलब हुआ नहीं, हिम्मत नहीं हुआ। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग निकल पड़े। रास्ते में ये कटक रोड वाला पंडाल है जो पूरा रोड के ऊपर ही है, लेकिन पार्किंग का बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं था, तो हम लोग रुके नहीं। तो बस आप यहाँ से ही दर्शन कर लीजिए। देन दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो ये यूनिट वन का है पंडाल, तो उसका है। तो इसके अंदर का अगर आप काम देखोगे ना, तो काम पूरा बॉमिखल के अंदर जैसा था मरून के ऊपर, मुझे पूरा सिमिलर लगा। लेकिन मूर्ति यहाँ पर काफ़ी अलग है, आप खुद ही देख लीजिए। तो मूर्ति काफ़ी अलग है वैसे। यूनिट वन से नेक्स्ट हम लोग अभी पहुंच चुके हैं शहीद नगर, जो कि बिल्कुल हमारे घर के पास ही है। तो शहीद नगर का ये जो पंडाल इस बार का है वाइट के साथ थोड़ा रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो इस बार मुझे लग रहा है ये कुछ परियों का महल जैसे होता है, मुझे तो वैसा ही लगा। आप लोग बताना आपको मतलब अगर कुछ इससे अलग पता है तो। जो भी है बहुत ही सुंदर, स्नो मतलब जैसे बर्फ में जो घर होता है उसी तरह भी लग रहा है। तो एनीवेज बाहर से ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एकदम मार्बल से ऐसा लग रहा है, मार्बल से बनाया गया इसको, वाइट कलर का वही मतलब इफेक्ट जो वही आ रहा है जैसे लग रहा है मार्बल से बनाया गया। तो ये हम आगे पहुँच चुके हैं, बैकड्रॉप के साथ रेड कलर के साथ सिल्वर का काम है, मुझे सबसे अच्छा लगा ये। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा पंडाल अच्छा लगा, एंड कौन सा ये जो बैकड्रॉप माँ का कौन सा अच्छा लगा। तो यहाँ से भी हमने अच्छे से दर्शन किया, पूजा किया, फिर अभी हम लोग निकल पड़े हैं नयापल्ली की तरफ। तो ये सामने आप देख रहे हो ये है नयापल्ली का पंडाल, जो कि वही झारपड़ा का जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने बताया था ना वैसा ही मुझे लग रहा है। तो बाहर से ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, चलिए अंदर चलते हैं। जैसे हम अंदर जाते हैं तो ये आप कलर देख रहे हो, अंदर का कलर एंड बाहर का कलर ऑलमोस्ट सिमिलर है। चारों तरफ ऊपर सब जैसे मिट्टी से कुछ बने हो ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही फील आ रहा है। तो ये चारों तरफ का ऊपर का देख रहे हो एंड सामने माँ। तो माँ को अच्छे से हमने दर्शन किया, यहाँ पर भी हमने पूजा किया, एंड फिर और एक बार अच्छे से देख के अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो आप भी ज़रा देखिए कितना अच्छा यहाँ पर काम हुआ है। एंड जस्ट पंडाल के पीछे ही ये मंदिर है, माँ का मंदिर, तो वहाँ पर भी थोड़ा पूजा अर्चना की हमने, एंड फिर यहाँ से हम लोग निकल जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये इवनिंग का है, बिकॉज मॉर्निंग में नयापल्ली से हम लोग घर रिटर्न कर गए थे, अभी इवनिंग को हम लोग आके पहुंच चुके हैं लास्ट पंडाल आज का, एंड दैट इज़ बरमुंडा। ये भी यूनिक है क्योंकि ये पूरा का पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। तो भीड़ फिलहाल आप देख सकते हो, ऊपर चंदा मामा है एंड ऊपर यहाँ पर प्लेन जा रहा है। तो फिलहाल इसके साथ ये सामने आप देख सकते हो सुंदर सा बरमुंडा का पंडाल, बहुत ही खूबसूरत, पूरा नेचुरल, बिल्कुल कुछ इतना इधर उधर का कलर नहीं दिया गया। एंड जैसे हम अंदर घुसे, अंदर का कलर लेकिन बहुत ही सुंदर था, बहुत लाइट के साथ आप देख रहे हो। एंड दोनों तरफ सीलिंग पे आप जो भी काम देख रहे हो ना, सारा का सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बनाया गया है। एंड सामने माँ,
हमने तो अच्छे से दर्शन कर लिए, आप लोग भी दर्शन कर लो एंड चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। सो बाहर निकलने के बाद दोस्तों हमने किया खूब सारा मस्ती, पेट पूजा किया, अलग अलग तरह के स्ट्रीट फूड्स खाए एंड कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद कुछ राइड्स को भी हमने इंजॉय किया, फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर। तो आई जस्ट होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर येस तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में विथ खूब सारा मस्ती एंड ब्यूटिफुल मेमोरीज। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।